हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपने प्रीव्यू में तो देखा ही होगा। ओके डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको पूरा बता दूंगा कि वो सिंपल और मैजिकल वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक का नाम है इनशॉट और दूसरे का है पिक्सल लैब। आपको दोनों ही प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपली मैं सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट दिख रहे होंगे, उस पर जाके आपको इमेज साइट सेलेक्ट कर लेना है और हमें सिंपली यहाँ पे एडिट करना है कुछ। तो विड्थ हम ले लेते हैं 1080 और हाइट ले लेते हैं 1350। ओके तो सिंपली हम इसे ओके कर लेते हैं, और ओके करने के बाद इसके बाद देखिए आपको नीचे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें एक ए का सिंबल है और ठीक उसके साइड में चार नंबर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद ओके तो फ्रॉम गैलरी पे आपको टच करना होगा, और उसे टच करने के बाद आप अपने गैलरी में जाओगे, और जाने के बाद मैं आपको एक मटेरियल जो दूंगा PNG बॉर्डर का, उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने इसे अब गैलरी से सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसे सिंपली 6:8 का रेशो दे देता हूँ और सिंपली इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रॉम गैलरी करके आप एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिए है, अब मैं सिंपली इसे ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे सेट कर लेता हूँ। ओके देखिए मैं इसे अब सेट कर लिया है। सेट करने के बाद सिंपली आपको ऊपर सेव का ऑप्शन है प्लस के साइड में, उस पर क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेना है, और यहाँ पे कस्टम की जगह अल्ट्रा कर लेना है। ओके तो सिर्फ और मैं इसे सेव टू गैलरी कर लेता हूँ, ताकि ये इमेज मेरे गैलरी में सेव हो जाएगी। ओके तो अब देखो ये इमेज गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इसके बाद अब बारी है दूसरे एप्लीकेशन की, इसका नाम है इनशॉट। तो आप इसे ओपन कीजिएगा। ओके इनशॉट ओपन करने के बाद आपको वीडियो पे आना है और न्यू क्रिएट कर लेना है। तो न्यू पे क्लिक करके आपको वो वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिंपली करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो मैंने इसे गैलरी से अब सेलेक्ट कर लिया है, और इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक कर लेना है, और इसका ड्यूरेशन हमें सेट कर लेना है। तो मैं इसे अब एडिट कर लेता हूँ, 15 सेकेंड का कर लेता हूँ। ओके तो ओके करने के बाद अब हम इस पर म्यूजिक लगा लेते हैं। तो सिंपली दो नंबर पे ऑप्शन है म्यूजिक का, उस पर क्लिक करके ट्रैक्स पे जाके आपको अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। तो आप इसमें अपने वीडियो में से भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें एक म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ जो मेरे गैलरी में है। ओके तो सिंपली मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब बारी है इफेक्ट देने की, तो साइड स्क्रॉल कीजिएगा और देखिए यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, उस पर जाना होगा। ओके तो यहाँ पे आपको इफेक्ट पे जाना होगा, और इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मुझे मिल गए। तो इफेक्ट के नीचे देखिए फ्लैश नाम है, उस पर क्लिक कर लेना होगा, और क्लिक करने के बाद सिंपली इसे ओके कर लेना होगा। ओके करने के बाद वो वाला इफेक्ट अब सेट हो चुका है। तो आपको वीडियो सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर लेना होगा, और सेव पे जाने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है 1080p की। ओके तो मैं सिंपली एक नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा वीडियो गैलरी में सेव हो। ओके तो हमारा वीडियो अब रेडी हो चुका है, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।